आज हम देखेंगे सात ऐसे WWE रेसलर्स जिन्होंने गंभीर चोट लगने के बावजूद मैच जारी रखा। जिन्हें रेसलिंग पसंद नहीं है वो WWE को फेक कहते हैं। हालांकि सुपरस्टार सही मायने में अपने शरीर के साथ अपने मैचों में जान डाल देते हैं। खेल में चोट लगना आम बात है। घातक मूव से सावधानी बरतने के बाद भी सुपरस्टार्स को चोट लग जाती है। सबसे खराब स्थिति मैच के दौरान चोटिल होना होता है, जिसके कारण रेसलर को मैच लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। अंडरटेकर ने गोल्डबर्ग के खिलाफ एक मैच को पहले ही खत्म कर दिया था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार काफी घायल हो गए थे। किसी को मैच जल्द खत्म करना चाहिए या उसे पूरा करना चाहिए, ये स्थिति पर निर्भर करता है। बहरहाल आइए उन सात WWE सुपरस्टार्स के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने गंभीर चोट के साथ अपना मैच खत्म किया। नंबर 7, ब्रेट हार्ट। WWE की तुलना में ब्रेट हार्ट का WCW रन यादगार नहीं था। हालांकि कुछ मैचों का फैंस को काफी इंतजार था। ऐसे ही एक ड्रीम मैच में हार्ट का सामना गोल्डबर्ग से हुआ। हिटमैन को सिर पर एक किक पड़ी और वो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गए। पूरो वर्ल्ड चैंपियन ने अपनी आत्मकथा में खुलासा किया कि वो सब कुछ भूलकर बस मैच खत्म करना चाहते थे। हालांकि चोट गंभीर थी और उन्हें एक महीने बाद अपना टाइटल छोड़ना पड़ा। चोट दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई, जिसके कारण हार्ट को रिटायर तक होना पड़ा था। नंबर 6, कर्ट एंगल। SummerSlam 2000 के मेन इवेंट में ट्रिपल एच, द रॉक और कर्ट एंगल के बीच मैच हुआ। हालांकि द रॉक के रिंग में आने से पहले ट्रिपल एच और एंगल ने झगड़ा शुरू कर दिया। ट्रिपल एच ने कर्ट को अनाउंस टेबल पर पेडिग्री मूव लगाया। कर्ट को काफी चोटें आई और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बैकस्टेज ले जाया गया। हालांकि वो जल्द ही रिंग में लौट आए और मैच खत्म किया। नंबर 5, मैनकाइंड। WWE इतिहास के सबसे हार्डकोर रेसलर मिक फोली ने द अंडरटेकर के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच में सेल के ऊपर से जबरदस्त छलांग लगाई। मैनकाइंड के रूप में उन्होंने द डेडमैन का सामना किया और मैच में जबड़े पसलिया, इंटरनल ब्लीडिंग और कई दांत तुड़वा लिए। वो हर बार मैच खत्म करने के लिए लौटे और रेसलिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। नंबर 4, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को WWE लाइव इवेंट के दौरान एक भयानक चोट लग गई। केन के खिलाफ एक मैच में उन्होंने टर्न बकल पावर बॉम्ब देने के लिए टॉप रोप से फ्लिप किया। रॉलिंस मैट पर अजीब तरीके से गिरे और अपने ACL, MCL और मेनिस्कस को नुकसान पहुंचाया। हालांकि वो मूव और मैच दोनों को खत्म करने के लिए फिर से खड़े हुए। रॉलिंस उस समय WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और इलाज के लिए उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा था। नंबर 3, स्टीव ऑस्टिन। स्टीव ऑस्टिन और ओवन हार्ट ने 3 अगस्त 1997 को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला किया। इस मैच ने ऑस्टिन की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हार्ट ने पाइल ड्राइवर के लिए ऑस्टिन को उठा लिया, लेकिन ये विफल हो गया और ऑस्टिन अपने गर्दन के सहारे रिंग पर गिर गए। ऑस्टिन को कुछ समय के लिए लकवा मार गया था। हालांकि इस मैच में हार्ट की जीत हुई। रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी और गर्दन में गंभीर चोट का पता चला और ऑस्टिन को महीनों तक रिंग से दरकिनार कर दिया गया। नंबर 2, फिन बैलर। WWE ने 2016 में नई यूनिवर्सल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया था। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर ने चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट के फाइनल में मैच लड़ने के लिए क्वालिफाई किया। मैच बहुत ही शानदार था। दो पूर्व NXT चैंपियंस नए यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि रॉलिंस ने बैरिकेड पर पावर बॉम्ब देने के लिए बैलर को उठा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बैलर को एक गंभीर चोट लग गई। बैलर का कंधा चोटिल हो गया, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा और अंततः प्रतियोगिता जीती। हालांकि चोट गंभीर हो गई और फिन को अगली रात रॉ पर टाइटल छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद विशेष रूप से बैलर के लिए हालात खराब हो गए। नंबर 1, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच ने WWE में अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने स्टीव ऑस्टिन के साथ टीम बनाई, जो यकीनन अब तक की सबसे शक्तिशाली टैग टीम है। दोनों सुपरस्टार्स टैग टीम चैंपियन थे और उन्होंने क्रिस जेरिको और क्रिस बेनॉइट के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड किया। मैच के दौरान जेरिको ने वॉल्स ऑफ जेरिको में ऑस्टिन को फंसा दिया। ऑस्टिन को बचाने के प्रयास में ट्रिपल एच ने कोशिश की, हालांकि उन्होंने अपने क्वाड्रिसेप्स को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी वो वापस से खड़ा हुए और मैच को खत्म किया। ये रेसलिंग के प्रति उनके जुनून को साबित करता है।